हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम सब बात करने वाले हैं कि बच्चों में नेक होल्डिंग नहीं होती है, जो बच्चे गर्दन नहीं संभाल पाते हैं, तो उन बच्चों में पेरेंट्स, जो बच्चों के माता पिता होते हैं, वो घर पर बेसिक क्या एक्सरसाइज करा सकते हैं, आज हम सब उस पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है बच्चे का, वो मतलब नेक होल्डिंग से ही स्टार्ट होती है। मतलब यानी पहले बच्चा गर्दन संभालना ही सीखता है। तो आज हम सब उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो आपको बताने जा रहे हैं, ये स्टूल है, ये एक वुडन यानी लकड़ी का स्टूल है। इसका हम कैसे यूज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। इन बच्चों में नेक होल्डिंग नहीं होती है, उसको हम इस तरह से बैठाते हैं। बच्चे के दोनों पैर नीचे रहेंगे, बच्चे को ऐसे नॉर्मली पोजीशन में बैठाते हैं। और बच्चे का स्टूल बच्चे की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर बच्चे की हाइट बच्चे की कम है तो बच्चे के कम हाइट का स्टूल बनवाते हैं, और अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा लेते हैं। इस पोजीशन में बच्चे की हाइट को एडजस्ट करते हैं। इसमें बैठा के बच्चे से सामने से बात करते हैं कि सामने देखो बेटा, सामने देखो, उसे कोई ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं, कोई खिलौना है या कोई मोबाइल है, एक हाथ से पकड़ के उसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो बेटा सामने देखो। तो बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा ऐसे करके, इस तरह से। तो बच्चा अपनी नेक को होल्ड करने की कोशिश करेगा इस तरह से। और बच्चे की नेक का विशेष ध्यान इसमें भी देना है कि नेक हाइपर में ना जाने पाए। नेक में अगर हाइपर में जा रही है तो हमको पीछे नेक के पीछे सपोर्ट करना है, फिंगर से होल्ड करके रखना है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट एक्सरसाइज। तो इसमें नेक होल्डिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इन सब एक्सरसाइज में। और ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये सब जो सामान है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सब के घर में होता है, तो ये सब बहुत अच्छे तौर तरीके। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मली जो पेरेंट्स रहता है या पेरेंट्स की जो मदर रहती हैं, उनको एक सुपाइन पोजिशन यानी कि सीधा पीठ के बल लेट जाना है बेड पर, और बच्चे को अपने पेट पर बैठा लेना है, अपनी तरफ फेस करके बच्चे को पेट पे बैठा लेना है, और पेरेंट्स को बच्चे से बात करना है। देखो देखो बाबू, देखो ऊपर, देखो सामने, सामने देखो, सीधा देखो सामने, सामने देखो बाबू। नोज, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे से, अपनी नोज से, अपनी खुद की नोज को टच करेगा। अगर देखो देखो देखो, तो इसे बच्चे को क्या है, इंजॉय करेगा, बच्चे की एक्टिविटी आएगी, बच्चे हंसेगा, खुश होगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है नेक को होल्ड करने का। और इसमें भी ध्यान देना है कि बच्चे की अगर नेक पीछे ना हाइपर में ना जाने पाए, तो उसको भी हमको विशेष ध्यान देना है। अगर पीछे जा रही है तो हमको पेरेंट्स को बोलना है कि आप फिंगर से इसको सपोर्ट दीजिए, इस तरह से। इस एक्सरसाइज से भी हम नेक होल्डिंग को बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बात करते हैं कि अब इसके बाद हम पेरेंट्स बच्चों में क्या करा सकते हैं। तो ये एक दीवार का कोना है, ये उजली दीवार हर घर में रहता है, कि दीवार के जो तीन कोने रहते हैं, तीन दीवार जो तीनों तरफ से, इसमें बच्चे को कैसे बैठाते हैं, तो कैसे नेक होल्डिंग को बेटर कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ये बच्चे के, हाँ ये दीवार में पीछे तकिया रख लो, ठीक है। ये बच्चे को इस तरह से हमको दीवार के कॉर्नर में बैठाना है। बच्चे को सीधा भी बैठा सकते हैं लॉन्ग फिटिंग में, और अगर बच्चा सीधा बैठने में नहीं कंफर्टेबल है तो हम बच्चे के पालथी लगा के भी मोड़ सकते हैं, क्रॉस लेग फिटिंग में बैठा सकते हैं ऐसे, और बच्चे के पीछे एक छोटा सा पिलो लेके कॉर्नर पे रख सकते हैं, ताकि बच्चे के सर में किसी तरह की चोट ना लगे। ऐसे करके बच्चे को हम बैठा सकते हैं। उसमें पेरेंट्स को सामने से बैठ जाना है ऐसे, और पेरेंट्स को आगे से बुलाना है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम दिखा सकते हैं सामने, पेरेंट्स बच्चे से अपने बात कर सकते हैं। तो इससे क्या, बच्चे की नेक होल्डिंग आएगी। और सबसे अच्छा फ़ायदा होता है जिन बच्चों की नेक हाइपर में चली जाती है, हाइपर मतलब पीछे चली जाती है, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है बच्चे की गर्दन को एक नॉर्मल पोजीशन में लाने की, क्योंकि इसमें तीनों तरफ से हमको सपोर्ट मिल रही है। तो स्टार्टिंग में ऐसे बैठाना है, जब बच्चा बिल्कुल भी नेक होल्ड नहीं कर रहा है, नेक की लिफ्टिंग आ गई है, तो इसमें हम बैठा सकते हैं। जब थोड़ा थोड़ा होल्ड करना सीख जाता है तो कॉर्नर फिटिंग में बैठाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम नॉर्मली स्टूल पे या गोदी लेके या नॉर्मली बेड पे इस तरह से बैठा सकते हैं। तो इससे हमारी नेक की मसल्स और मजबूत होती हैं, और बच्चा नेक को अच्छे से होल्ड करना सीख जाता है। तो आज की हमारी ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जो हमने पेरेंट्स के लिए बताया है। लेकिन सभी पेरेंट्स को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि
कि बिना किसी डॉक्टर या बिना किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट बिना करके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करानी है, क्योंकि सरल पॉलिसी बहुत ही प्रकार की होती है और हर प्रकार की सरल पॉलिसी में पूरी तरह से असेसमेंट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस बच्चों में किस एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुद अपने मन से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमको बच्चों में बहुत सारे नुकसान देखने को मिले हैं। और हमारे इसी तरह से आगे भी आपके लिए सरल पॉलिसी बच्चों के लिए वीडियो आते रहेंगे। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेंटर के जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।